नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में बताएंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जिसपे ब्रेकआउट होने वाला है। दोस्तों पहले भी आपको मैंने बता चुका है कई सारे शेयर जिसपे ब्रेकआउट हुआ था और काफी अच्छा रिटर्न आपने वहां प्राप्त किया होगा, जैसे एप्पल इंडिया हो गया आपका, HLE ग्लासकॉट हो गया और GMM फॉरलर्न में अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट के लिए। तो आज जो शेयर बताने जा रहे हैं ये है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि नाम आपने नहीं बताया, यहाँ पर नाम यहाँ साइड पे यहाँ कॉर्नर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर रहता है, या वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो जरूर नाम पता चल जाएगा, क्योंकि हम फंडामेंटल एनालिसिस बताते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी बताते हैं। दोनों तरह से आपको स्टॉक को जानना काफी बेहतरीन है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब मजबूत है अगर फंडामेंटल्स कंपनी का, तो जो ब्रेकआउट होगा वो और ज्यादा शानदार होगा। टेक्निकल चार्ट पे ब्रेकआउट देख रहे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं अगर यहाँ से अच्छा खासा ऊपर मूव कर जाता है तो। दोस्तों दीपक नाइट्रेट काफी बेहतरीन स्टॉक है, ये स्टॉक इतना बेहतरीन है कि आप वीकली चार्ट पर कभी भी इसको देखेंगे तो ये कभी वीक हुआ ही नहीं है स्टॉक, मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफी बेहतरीन स्टॉक है। देखिए वीकली चार्ट मैंने लगाया और यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, लगातार बढ़ रहा है, मतलब ये स्टॉक लगातार जो है अप ट्रेंड में रहा है और कभी भी अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पर आप देख लीजिए जो मार्च में गिरावट था पैंडमिक में, वो गिरावट भी अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर देखते हैं गिरावट में स्टॉक काफी सस्ते मिल रहे थे लेकिन फिर भी ये पीछे का जो ये लो बनाया था यहाँ पर इस लो को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि यहीं से ये रैली हुआ था और ये रैली 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके हुआ था, तो उसको भी हम जो है गिरावट नहीं मानते हैं। इसको भी गिरावट तब मानते हैं जब ये 200 डे का जो मूविंग एवरेज है इसको टच करे। 200 डे के मूविंग एवरेज को स्टॉक देख सकते हैं कभी टच किया ही नहीं, आप पीछे चलते जाइए। ये स्टॉक इतना बुलिश है, इतना सॉलिड है फंडामेंटली, ये स्टॉक आपको कभी भी 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे गिरावट होता हुआ देखने नहीं मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर चलते जा रहे हैं, कभी भी ये 200 डे का मूविंग एवरेज ये देख लीजिए, 200 डे के मूविंग एवरेज को ये ब्रेक किया ही नहीं है स्टॉक। तो दोस्तों करेक्शन इस स्टॉक में आता है लेकिन प्राइस वाइज करेक्शन जो है काफी कम आया है इस स्टॉक में। तो वीकली चार्ट पर हम फॉलो करते हैं, वीकली चार्ट पर जब वो ब्रेक किया ही नहीं कभी अपने 200 डे EMA को, तो मंथली चार्ट को फॉलो करना कोई उसमें बनता ही नहीं। मंथली चार्ट कहाँ पर फॉलो करते हैं, वैसे स्टॉक जो साइकिल प्रोसेस में होते हैं, जैसे आप मेटल सेक्टर के स्टॉक ले लीजिए, टाटा स्टील हो गए, JSW स्टील, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, ये सारे स्टॉक को हम मंथली चार्ट पर देखते हैं कि कब स्टॉक बुलिश है कब बेयरिश है, क्योंकि वो एक साइकिल में चलते हैं, अप साइकिल और डाउन साइकिल में। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक तो इतना सॉलिड है, ये लगातार अप ट्रेंड में रहा है वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, यहां पर डेली चार्ट में भी अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है और यहां से ये ब्रेकआउट होगा तो काफी जबरदस्त मोमेंटम आपको ऊपर देखने मिलेगा। तो ये ब्रेकआउट कब होगा, जब ये स्टॉक अपना जो प्राइस है 1605 रुपया, तो 1605 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो समझिए ये ब्रेकआउट होगा, क्योंकि उस समय RSI भी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। अभी RSI लगभग 77 के आसपास है, 75-77 के आसपास है ये, और यहाँ से ये 80 के एबव पहुँच जाएगा। तो जब 80 से 90 होता है और स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा हो तो उस स्टॉक को वहाँ से डबल होने में खास वक्त नहीं लगता, डबल नहीं तो आपको 20% से 50% का इजिली रिटर्न यहाँ पर ये स्टॉक दे देगा अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, क्योंकि RSI भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ये डाइवर्जेंस जो है वो मतलब बेयरिश डाइवर्जेंस है लेकिन प्राइस यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो ये टाइप वाइज करेक्शन है, ये कोई प्राइस वाइज करेक्शन नहीं। यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंस थोड़ा सा नीचे है लेकिन जैसे ये प्राइस यहाँ पर 1705 पे जो पहुंचेगा, ये इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 1692, इसका जो ऑल टाइम हाई है इस शेयर का वो है 1692, और यहाँ से जब ये ऊपर पहुँचेगा 1695 रुपया, तो 1695 में आप नहीं लेंगे, जब ये 1700 को क्रॉस कर जाए तब लेंगे, क्योंकि जो 1700 होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, थोड़ा सा 1700 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 1700 के ऊपर ही आप लेंगे, 1700 जैसे 5 रुपीज़ पर, तो 1705 रुपीज़ पे स्टॉक जाता है तो आप इसमें पोजिशन अपना बना सकते हैं। तो उस समय RSI भी काफ़ी सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि अभी RSI में देख सकते हैं डाइवर्जेंस जो है नीचे की ओर है, लेकिन जब आप यहां पर ये 1705 पे पहुंचेगा तो RSI का जो डाइवर्जेंस है ये डाइवर्जेंस भी अप हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अप डाइवर्जेंस तो ये दिखा रहा है। यहां पर देखते हैं RSI धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर जैसे ये 1705 पे पहुंचेगा तो RSI भी ऊपर हो जाएगा, तो RSI भी यहां पर डाइवर्जेंस जो है अपना बुलिश डाइवर्जेंस यहां क्रिएट करेगा। तो RSI जब 80 से 90 होता है तो स्टॉक वहां से लगभग आपको डबल हो सकता है, डबल नहीं तो
20-50% रिटर्न आपको आसानी से यहाँ स्टॉक दे सकता है जब यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, क्योंकि RSI काफी स्ट्रॉन्ग होगा। जो आप थ्योरेटिकल पढ़ते हैं कि RSI 70 से ऊपर हो तो ओवरबाउट हो गया, आप वहां पर स्टॉक को सेल कीजिए, ऐसा प्रैक्टिकल में आपको नहीं चलेगा। आपको 100 ट्रेड लेंगे वैसे में तो मात्र 1-2 ट्रेड आपका सही होगा। दोस्तों यहाँ पर देखना पड़ता है कि प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है, प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज सब बता रहा है कि मूविंग एवरेज के बीच का दूरी बढ़ रहा है, मतलब स्टॉक बुलिश है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना है, अगले दिन ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर इसको बनाते हुए जैसे क्रॉस करके सस्टेन करता है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा टिकना चाहिए, ज़्यादा वक्त नहीं, मतलब इसके वहाँ पर देखिएगा कि 15-20 मिनट तक यहाँ सस्टेन करता है। आपको इंट्राडे में ही उसको देखना पड़ेगा, 15-20 मिनट यहाँ सस्टेन करता है और ऊपर की ओर स्टॉक निकलता है तो उसी समय वहाँ पर आपको पोजिशन लेना है। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ 2-4 दिन देखना है, 1 वीक देखना है, ऊपर ट्रेड करे तब लेंगे। अगर यहाँ पर काफ़ी वक्त तक टिक जाता है, 1 सप्ताह तक स्टॉक टिक जाता है तो समझिए ये ब्रेकआउट जो है वो ब्रेकआउट फेल हो सकता है। मतलब यहाँ पर आपको इंट्राडे में देखना है 15-20 मिनट ऊपर ट्रेड करे, ना कि आपको 1-2 दिन या 1 सप्ताह यहाँ ऊपर ट्रेड करे तब हम पोजीशन बनाएंगे। बस यहाँ पर ब्रेकआउट करे तो इंट्राडे में ही देखना है। इंट्राडे में जैसे पोजीशन बनाते हैं, स्टॉक ऊपर निकलता है, प्रॉफिट में आप रहते हैं, तब उसको अगले दिन के लिए कैरी करना है, मतलब पोजीशनल ट्रेडिंग स्विंग ट्रेड के लिए उसको कैरी करना है। तो काफ़ी ये सॉलिड तरीका होता है जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस को, तो मैंने देख लिया, अब इसके फंडामेंटल्स जाने, कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, कंपनी का फंडामेंटल्स क्या कहता है, हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों दीपक नाइट्रेट जो है वो केमिकल सेक्टर की कंपनी है, ऐसे भी केमिकल सेक्टर की काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं जो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दिया अपने इन्वेस्टर को। और इस कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए 21,813 करोड़ का है और करेंट प्राइस जो है वो लगभग 1600 रुपये के आसपास है, मतलब 1600 कुछ रुपया है। और वहीं कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है 1692 रुपया है। और कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात है 45.7% है, कोई भी प्रमोटर्स का शेयर प्लेज नहीं है। प्रमोटर्स का शेयर प्लेज हो, शेयर वहां ब्रेकआउट दे रहा हो तो वहां पर हम ट्रैप हो सकते हैं, तो इसलिए कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है या नहीं, अगर प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है तो वहां पर हम ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल मतलब सेल्स और प्रॉफिट इनकी जो रहा है, प्रमोटर्स का जो बिहेवियर है कंपनी में काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ जो टेक्निकल चार्ट पर हमें ब्रेकआउट मिलेगा वो ब्रेकआउट काफ़ी सॉलिड होगा, फंडामेंटल रूप से वो सपोर्टेड होगा, तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतरीन होती है। और कंपनी के ऊपर डेट देखिएगा 697 करोड़ का है और वहीं कंपनी के पास रिजर्व जो 1813 करोड़ का है, तो कंपनी के ऊपर डेट कुछ खास नहीं है क्योंकि कंपनी का 1 साल का प्रॉफिट भी लगभग डेट के तो आसानी से कंपनी 1 साल के प्रॉफिट से अपना डेट पे कर सकती है। वही कंपनी का जो बिजनेस है केमिकल सेक्टर में, बेसिक केमिकल बनाती है, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट बनाती है और फिनोलिक्स बनाती है। तो ये 4 मेजर कंपनी के बिजनेस है जो आप कंपनी के वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हैं कि कंपनी कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर देख लिए, एसेटोन बनाती है, एग्रोकेमिकल्स बनाती है, डिटर्जेंट में जो यूज होता है वो केमिकल बनाती है, पेपर में जो यूज होता है वो बनाती है, डाई और पिगमेंट में यूज होता है, फूड में यूज होता है, पर्सनल केयर में, फार्मास्यूटिकल का इंटरमीडिएट में जो केमिकल यूज होता है वो बनाती है, रबर में, टेक्सटाइल में, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को प्यूरीफाई करने में, तो ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। तो दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी सॉलिड है और आने वाले समय में भी ये बिजनेस काफ़ी अच्छा करने वाला है, कंपनी को काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला है, क्योंकि ये कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो हमेशा यूज में होने वाला है। तो इस तरह से कंपनी के बिजनेस को देख करके भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, अगर अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल रहा है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, क्योंकि अगर कंपनी ऐसे तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वीकली चार्ट पर कभी अपने लो को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन कभी भी अगर गिरावट होता है तो आप वहाँ से आसानी से एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर यह वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कोई भी आपके सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।